हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कौशल सुंदरबन डेल्टा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी यात्रा शुरू हुई थी कल सुबह 9 बजे कोलकाता के साइंस सिटी से। यह जगह कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। हम बसंती हाईवे से जा रहे हैं और अभी रुके हैं एक टी ब्रेक के लिए। नंदनी, तिथि, ओके, बाय, हैप्पी होली। बसंती हाईवे की जो कंट्री साइड व्यू थी वो इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं थी और लगभग 3 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम पहुँचे गोदखली, जो लास्ट पॉइंट है रोड का, यानी कि इसके बाद आपको सिप से अंदर जाना पड़ता है। एक तरह से ये सुंदरबन का गेटवे है। सुंदरबन जाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है और वो केवल बड़ी बोट को ही परमिशन देते हैं, इसलिए यहाँ पर जाने का एकमात्र विकल्प है ट्रेवल एजेंट। बिकॉज व्हेन द आइलैंड वाज गेटिंग एस्टैब्लिश्ड ऑन दैट टाइम दे हैड डिस्ट्रॉयड लॉट ऑफ मैंग्रोव एंड नाउ दे आर गेटिंग बैक एवरीथिंग। ये थे हमारे टूर गाइड ओम, जो ना केवल एक अच्छे टूर गाइड हैं बल्कि एक बहुत ही एडवेंचर्स और एक जेन्युइन बंदे हैं। यदि आप शहर की भीड़भाड़ से दूर प्रकृति की आगोश में कुछ समय बिताना चाहते हैं तो आपको एक बार सुंदरबन जरूर जाना चाहिए। बहुत ही सुंदर व्यू। और अभी हमें दिखाई दे रहा है ये बांग्लादेश का शिप है, कार्गो शिप। ऊपर आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश का फ्लैग है। सुंदरबन का जो गेटवे है यानी गोदखली, उसके जस्ट अपोजिट साइड में है ये गोसाबा आइलैंड। इस आइलैंड पर बहुत सारे रिसोर्ट बन चुके हैं, एक तरह से ये पूरी तरह कमर्शियलाइज हो चुका है और ज़्यादातर ट्रैवल एजेंट यहीं पर अपने टूरिस्ट को नाइट स्टे कराते हैं। सुंदरबन 3 चीज़ों के लिए जाना जाता है। एक तो जो आप सामने देख रहे हैं ये मैंग्रोव फॉरेस्ट, दूसरा रॉयल बंगाल टाइगर, जिसके देखने के हालांकि चांस गर्मियों में तो बहुत ही कम होते हैं, यदि आप मेटिंग सीजन में जाते हैं सर्दियों में तो हो सकता है शायद आपको दिखाई दे जाए, और तीसरा है यहाँ का हनी यानी कि शहद। हमारे ट्रैवल एजेंट का नाम था बैकपैकर्स टूर दे सुंदरबन और इनके चार्जेस थे 4200 रुपीज पर पर्सन। इनका जो रिसोर्ट है वो गोसाबा के जस्ट अपोजिट एक दूसरे आइलैंड पर है और इन्होंने इसको नाम दिया है इको विलेज। दोपहर 2:15 बजे हम यहाँ पर पहुँच गए थे। हमने कोलकाता से जर्नी स्टार्ट करी थी, जैसे मैंने पहले बताया, सुबह 9 बजे। 12 बजे हम गोदखली में थे और 2:15 बजे फिर हम पहुँच गए इको विलेज, यानी जहाँ पर हमें रुकना था। आप देख रहे हैं यहाँ पर इन्होंने ये मड और स्ट्रा के कॉटेज बनाए हुए हैं, अलग अलग छोटे छोटे। बहुत ही ब्यूटीफुली इसको डिजाइन किया गया है। हर जगह यहाँ पर आपको क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी। वैसे तो ये नॉन एसी कॉटेज थे लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी हमें फील नहीं हो रही थी। बाथरूम इसके साथ ही अटैच था। हमने ये जर्नी प्लान की थी मार्च के मिड में यानी होली पर। हमें लग रहा था कि यहाँ पर गर्मी से परेशान हो जाएंगे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो डिज़ाइन है इनका स्ट्रा वगैरह का, वो इस तरह से बना रखा है कि आपको यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी फील नहीं होती। हाँ, यहाँ पे मॉस्किटोज का थोड़ा इशू रहता है। अब हम आ गए हैं यहाँ के डाइनिंग एरिया में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी सिंपलिसिटी है, उसके बावजूद हर चीज़ के अंदर क्रिएटिविटी है। ये इनका वॉश बेसिन है। रिसोर्ट में पहुंचते के साथ ही हमें टी और स्नैक्स सर्व किए गए। उसके बाद लगभग 1 घंटा हमने अपने रूम में आराम किया और फिर शाम को 4 बजे हम निकले जंगल सफारी के लिए। इस बार हमें इन कंट्री बोट में बैठकर जाना था। वी वर अराउंड 20 पीपल इन आवर ग्रुप एंड सो वी वर डिवाइडेड इन टू द 3 बोट्स। हमारी इस यात्रा का हर पल बहुत ही रोमांचकारी और बहुत ही अमेजिंग था। वी वर एंजॉइंग ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ दिस जर्नी। थोड़ी ही देर में हम एक पास के आइलैंड के पास पहुंच गए। हम अंदर जाना चाहते थे लेकिन पानी बहुत कम था तो वहां पर कीचड़ ज़्यादा था, हम अंदर नहीं जा सके। यहां पर हमें देखने को मिला हॉर्स शू क्रैब, जो 300 मिलियन ईयर ओल्ड स्पीसीज है यानी डायनासोर के टाइम का। उसके बाद हमारे ग्रुप के कुछ मेंबर्स चले गए
मड वॉक के लिए। होली का टाइम था तो वी वर हैविंग अ लॉट ऑफ फन ओवर हियर। कुछ देर मौज मस्ती करने के बाद हम वापस चल दिए अपने रिसोर्ट की तरफ। नेचर्स लवर के लिए ये डेल्टा रीजन एक पैराडाइज है। यहाँ पर आप बहुत ही रेयर स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स देख सकते हैं। हालांकि उसके लिए आप और फिलहाल तो यहाँ पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट आए हुए थे क्योंकि कोरोना के काफी समय बाद यहाँ पर परमिशन मिली थी तो बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ थी। सनसेट को एंजॉय करते हुए धीरे धीरे हम वापस इको विलेज की तरफ जा रहे थे और हमारे गाइड ओम अपनी डिफरेंट एडवेंचर्स एक्टिविटी से हमारा और भी ज्यादा मनोरंजन कर रहे थे। जब हम वापस पहुंचे तो डिनर रेडी था और साथ ही बंगाली म्यूजिक चल रहा था जो बहुत ही करंट प्रिय था। और असली फन स्टार्ट हुआ डिनर करने के बाद जब हम दोबारा नाइट सफारी करने के लिए गए। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसे ना तो शब्दों से बयां किया जा सकता है और ना ही हमारा कैमरा इतना अच्छा था कि हम इसको रिकॉर्ड कर पाते। इको विलेज में आज हमारा दूसरा दिन। बहुत दिनों के बाद हमें इतना ब्यूटीफुल सनराइज देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि हम भाग दौड़ वाली जिंदगी को छोड़कर एक अलग दुनिया में आ गए हैं। अपने आप को बहुत ही नेचर के करीब हम महसूस कर रहे थे। हमारे रिसोर्ट की बैक साइड के अंदर एक गांव है। वैसे जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं वो अपने सुंदरबन टूर के दौरान विलेज वॉक भी कराते हैं, लेकिन हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। हमारे ग्रुप के मेंबर्स अपने अपने तरीके से इस ब्यूटीफुल मॉर्निंग को एंजॉय कर रहे थे। हमारे इस टूर पैकेज के अंदर दो दिन का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर शामिल था। आज हमें बहुत ही जल्दी निकलना था। सुबह 6:30 बजे सभी लोग तैयार हो गए थे और लगभग 7 बजे हम सब बोट पर आ गए थे। जो भी सुंदरबन ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं वो अपने पैसेंजर्स को एक दिन पहले गोसाबा आइलैंड के आसपास नाइट स्टे कराते हैं और अगले दिन सुबह सुबह जल्दी फिर निकलते हैं साजनेखली आइलैंड के लिए, जहाँ से अंदर मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर जाने की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। वैसे तो हम इको विलेज से चाय पीकर चले थे, लेकिन दोबारा हमें बोट पर ब्रेकफास्ट सर्व किया गया। लंच भी आज हमें बोट पर ही मिलने वाला है। जितने भी यहाँ पर बोट होते हैं वो डबल डेकर होते हैं, उनके निचले हिस्से में किचन होती है। इवन कई बोट्स के अंदर तो निचले हिस्से के अंदर रूम्स भी बने होते हैं, यानी कि आप चाहें तो उनमें नाइट स्टे कर सकते हैं। वैसे आप वहाँ पर जाकर आराम कर सकते हैं, बेड वगैरह लगे होते हैं और इनके पिछले हिस्से में टॉयलेट भी बना होता है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का टूरिज्म डिपार्टमेंट भी सुंदरबन टूर ऑपरेट करता है। ये उन्हीं की सामने बोट दिखाई दे रही है। इसके निचले हिस्से में केबिन बने होते हैं, आप चाहें तो इस बोट में नाइट स्टे कर सकते हैं और चाहें तो आइलैंड पे रुक सकते हैं। इसके लिए आपको 1 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती है। बंगाल गवर्नमेंट के साथ सुंदरबन टूर बुक करने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पर मैंने उनका लिंक दिया है। साथ ही और बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पर शेयर की हैं।
कोरोना की वजह से सुंदरबन में भी एंट्री बंद थी। दूसरा, इस बार होली वीकेंड के नजदीक थी, इसलिए 4 छुट्टियां इकट्ठा हो गई थी, तो यहां पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक दिन में केवल 50 बोट को परमिशन देता है और आज के दिन यहां पर बता रहे थे कि 150 बोट इकट्ठा हो गई है, तो एक बार तो लग रहा था कि हमें परमिशन नहीं मिलेगी। क्या करेंगे, लोग देखेंगे या जंगल देखेंगे? ये डोबांग की फॉरेस्ट कैंप का एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर सभी बोट वालों के बीच में होड़ लगी हुई थी कि पहले हम एंट्री करें। एक तो पहले परमिशन मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, ऊपर से फिर एंट्री जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। इस सिचुएशन में हमें लग रहा था कि हम गवर्नमेंट का जो टूर पैकेज था वो बुक कर लेते तो अच्छा रहता, लेकिन खैर थोड़ी देर के बाद ही हमारा नंबर यहाँ पर आ गया। एनीवे, अब हम एंट्री कर रहे हैं डोबांग की फॉरेस्ट कैंप में। यहाँ फॉरेस्ट के बीचों बीच एक स्काई वॉक बना हुआ है जिसमें एक तरफ से टूरिस्ट एंट्री करते हैं और दूसरे तरफ से बाहर आते हैं। दोनों तरफ नेट लगी हुई है ताकि कोई जंगली जानवर यहाँ पर अटैक ना कर सके। हमें यहाँ पर सुबह जल्दी आ जाना चाहिए था, तो पॉसिबिलिटी रहती कि शायद हमें कुछ बर्ड्स या कुछ एनिमल्स देखने को मिलते, लेकिन परमिशन के चक्कर में हम यहाँ पर पहुँचे दोपहर में और अब यहाँ पर कुछ देखने को था नहीं। बट यस, एक फीलिंग आ रही थी कि हम मैंग्रोव फॉरेस्ट के बीचों बीच गुजर रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम डोबांकी के वॉच टॉवर पर पहुंच गए जहां से हमें कुछ हिरण दिखाई दिए। वाइल्ड एनिमल्स को उनके हैबिटेट में देखने का अपना अलग ही मजा रहता है, लेकिन यदि आप टाइगर या दूसरे जो डेंजरस एनिमल हैं उनको देखना चाहते हैं तो आप मेटिंग सीजन में अगर विजिट प्लान करेंगे यानी कि सर्दियों में, तो ज़्यादा बेटर रहता है। और ये आप नीचे देख रहे हैं स्काई वॉक जो डोबांकी आइलैंड के बीचों बीच बनाया गया है। डोबांकी आइलैंड पर एक सोवनियर शॉप भी है जहाँ से आप कुछ फ्रिज मैग्नेट या टी शर्ट वगैरह खरीद सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए जो टाइगर वगैरह को देखने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। धूप बहुत तेज थी तो इसलिए हम थोड़ी देर में ही बाहर आ गए और जहां पर हमारी बोट हमारा इंतजार कर रही थी। सुंदरबन टूर ऑपरेटर जनरली दो पॉइंट और कवर करते हैं, एक तो सुधन्यखली वॉच टावर और दूसरा एक पॉइंट है जहां पर 5 नदियां आपस में मिलती हैं। ओवरक्राउडेड होने की वजह से डोबांकी में हमारा सारा टाइम वेस्ट हो गया और हमें यहीं से वापस गोदखली की ओर जाना पड़ा। रास्ते में हमने एक ब्यूटीफुल सनसेट एंजॉय किया। सुंदरबन एरिया में लो टाइड और हाई टाइड की वजह से पानी का लेवल कम ज़्यादा होता रहता है। जब हम वापस गोदखली पहुंचने वाले ही थे कि पानी का लेवल बहुत कम था और हमारी बोट जेटी तक नहीं पहुँच पाई और काफ़ी देर तक हम बीच में रस्ते में ही फंसे रहे। एनीवे वी एंजॉयड एवरी सिचुएशन और रात को 10 बजे हम कोलकाता वापस पहुंचे। कोलकाता के बारे में जानने के लिए मेरा दूसरा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।